नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जो प्रश्न पिछले वर्षों में राज्य बोर्ड में आ चुके हैं उन्हीं की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जिसमें हमने यहाँ पहला प्रश्न लिया है, पावन पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छया दो पत्ते एक साथ निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बावन पत्तों की एक गड्डी की बात की गई है, उसमें से आप जानते हैं बावन पत्तों में से 26 पत्ते होते हैं लाल और 26 पत्ते होते हैं काले, राइट। प्रश्न में कहा है कि दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो दो पत्ते निकले हैं वो काले रंग के हैं, तो काले रंग के हैं मतलब इन 26 में से कोई दो होंगे, है ना। तो पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? काले रंग के होने की प्रायिकता होगी नीचे कुल पत्तों की प्रायिकता। कुल है बावन पत्ते, उन बावन में से कोई दो पत्ते निकाले गए और कहा गया है कि निकाले गए पत्ते काले हैं। काले पत्ते हैं 26, मतलब वो जो दो पत्ते हैं वो उन 26 में से कोई दो रहे होंगे, तो इनकी प्रायिकता आएगी 26C2/52C2। इसको हल करके क्या मिलेगा? आप जानते हैं एनसीआर का सूत्र होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसी सूत्र से हम इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ आएगा फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 24 अपॉन फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 50। इसको और हल करेंगे तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल। इसको आप लिख सकते हैं 26 इंटू 25, फिर उसके बाद जो फैक्टोरियल 24 आएगा उससे फैक्टोरियल 24 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 52 इंटू 51। इसको हल करने पे हमें मिलेगा 26 से 52 टू टाइम्स कट जाएगा तो ये आएगा 25 अपॉन 102। ये आएगी प्रायिकता उन दोनों पत्तों के काले होने की। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे 26C2 और यहाँ पे 52C2 कैसे आया? आपने संयोजकता पढ़ी थी। संयोजकता क्या होती थी? हम कुल पत्तों में से कुछ पत्ते सेलेक्ट कर रहे हैं या कुल सीटों में से कुछ सीटें सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जितने उसके युग्म बनते थे कि कितने तरीके से यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं, हम चुन सकते हैं, किसी चीज का चयन कर सकते हैं, उसको हम सी में लिखते थे, एनसीआर के रूप में लिखते थे कि कुल एन में से हमें आर का चयन करना है। तो यहाँ पे कुल 52 पत्तों में से दो पत्तों का चयन करना है तो नीचे तो आया 52C2, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो पत्ते काले रंग के होंगे। तो आप जानते हैं कि 52 पत्तों में से 26 होते हैं लाल और 26 होते हैं काले, तो 26 जो काले पत्ते होते हैं उनमें से भी हम दो पत्तों का चयन करेंगे, तो इस वजह से ऊपर आया है 26C2। तो ये आएगी उन पत्तों की प्रायिकता जो कि उस गड्डी में से निकाले गए हैं और ये भी कहा गया है कि वो दोनों पत्ते कैसे हैं, काले रंग के हैं, ठीक है। एक थैले में 6 लाल और 9 सफेद गेंदे हैं। थैले में 2 गेंद उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है। लाल गेंदों की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात करें। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? प्रायिकता बंटन बनानी है, ठीक है। और क्या कहा है कि एक थैले में 6 लाल और 9 सफेद गेंद है, कुल कितनी गेंदे हो गई? 15 गेंदे। थैले में से 2 गेंदे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है। प्रतिस्थापन के साथ मतलब पहले यहाँ पे 6 लाल और 9 सफेद गेंदे थी, कोई एक गेंद इन दोनों में से निकाली
फिर उस गेंद को वापस रख दिया और फिर उसके बाद दोबारा निकाली, प्रतिस्थापन के साथ निकाली, ठीक है। तो लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो प्रायिकता बंटन के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, देखिए दो बार गेंद निकली है, दो बार गेंद निकली है, हो सकता है पहली बार भी लाल नहीं आई, दूसरी बार भी लाल नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे बात करनी है हमें लाल गेंदों की, है ना। हो सकता है यहाँ लाल आई यहाँ नहीं आई, और हो सकता है पहली बार में नहीं आई लेकिन दूसरी बार में लाल आ गई, और हो सकता है पहली बार भी लाल आई और दूसरी बार भी लाल हाथ में आई, ठीक है। तो प्रायिकता बंटन बनाने के लिए हमें एक कंडीशन मिली कि जो लाल गेंद की संख्या है, लाल गेंद निकलने की संख्या है वो है जीरो। यहां से मिली एक, यहां से भी एक और यहां से दो, ठीक है। तो ये दोनों एक है तो ये तो एक ही चीज हो गई कि मतलब एक बार लाल गेंद निकली है, इसका मतलब हो गया कि लाल गेंद निकली ही नहीं है, और इसका मतलब हो गया लाल गेंद दो बार निकली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रायिकता निकालनी पड़ेगी कि एक बार भी लाल गेंद नहीं निकली उसकी, हमें प्रायिकता निकालनी पड़ेगी कि लाल गेंद एक बार निकली है उसकी, और हमें प्रायिकता निकालनी पड़ेगी कि दोनों बार लाल गेंद निकली है उसकी, ठीक है। पहले इतना काम करते हैं। तो हल में आप कहेंगे लाल गेंदों की संख्या बराबर 6, फिर सफेद गेंदों की संख्या बराबर 9, तो कुल गेंदें कितनी हुई 15, राइट। अब मैं आपसे कह रही हूं कि लाल गेंद की प्रायिकता बताइए, लाल गेंद की प्रायिकता होगी कुल गेंद है 15 और उनमें से लाल है 6, तो लाल गेंद की प्रायिकता हुई 2/5, राइट। अगर हम कह रहे हैं कि सफेद गेंद की प्रायिकता बताइए, तो सफेद गेंद की प्रायिकता के लिए सफेद रंग की गेंद कितनी है 9 और कुल गेंदे हैं 15, तो इसकी प्रायिकता हुई 3/5। यहाँ पे हमें प्रायिकता बंटन निकालना है लाल गेंद की संख्या के लिए, इसका मतलब आप x को क्या बोल सकते हो, लाल गेंद की संख्या, राइट। तो हमें कौन कौन सी प्रायिकताएं चाहिए, सबसे पहले हम प्रायिकता निकालेंगे जब लाल गेंद आई ही नहीं है, मतलब x बराबर 0 के लिए। तो लाल गेंद ना आने के लिए प्रायिकता क्या होगी कि पहली बार भी लाल गेंद नहीं आई है, पहली बार भी लाल गेंद नहीं आई मतलब कि सफेद गेंद आई है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/5, और दूसरी बार भी लाल गेंद नहीं आई है मतलब कि सफेद गेंद आई है, तो उसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/5। तो पी एक्स बराबर 0 मतलब कि लाल गेंद ना आने की प्रायिकता हो जाएगी 9/25, ठीक है। अब हम निकालते हैं पी एक्स बराबर 1 का मान, मतलब एक बार लाल गेंद आने की प्रायिकता। अब एक बार लाल गेंद आई है मतलब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, हो सकता है पहली बार आई है और दूसरी बार नहीं आई है, और हो सकता है पहली बार नहीं आई है लेकिन दूसरी बार आई है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि पहली बार लाल गेंद आई है, तो पहली बार लाल गेंद आने की प्रायिकता होगी 2/5, और दूसरी बार नहीं आई है, दूसरी बार लाल नहीं आई है तो सफेद आई है, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/5। या फिर पहली बार लाल गेंद नहीं आई है, उसके लिए हम यहाँ पे प्लस करेंगे, लाल गेंद नहीं आई है मतलब कि सफेद गेंद आई है, तो उसकी प्रायिकता 3/5, और दूसरी बार लाल गेंद आई है तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5। इसको हल करके आपको एक बार लाल गेंद आने की प्रायिकता मिलेगी, वो क्या होगी 12/25। अब हम निकालते हैं पी एक्स बराबर 2 का मान, मतलब कि दोनों बार लाल गेंद आने की प्रायिकता, दोनों बार लाल गेंद मतलब पहली बार भी लाल गेंद आई है तो उसकी प्रायिकता 2/5, और दूसरी बार भी लाल गेंद आई है तो उसकी प्रायिकता 2/5, तो कुल प्रायिकता कितनी होगी 4/25, राइट। अब क्या काम रह गया, अब आपको इसका प्रायिकता बंटन बनाना है। तो प्रायिकता बंटन में कुछ भी नहीं बहुत ज्यादा है, अब इसको टेबल को बना देना है बस। तो x का मान यहाँ पे एक बार 0 लिया था, एक बार 1 और एक बार 2। जब x का मान 0 था तो प्रायिकता कितनी थी 9/25, जब x का मान 1 था तो प्रायिकता थी 12/25, और जब x का मान 2 था तो प्रायिकता थी 4/25, राइट। तो ये है इसकी प्रायिकता बंटन जो हमें बनाने के लिए कहा था। अगर आपको चेक करना है कि आपकी प्रायिकता बंटन सही बनी है या नहीं, तो बताइए उसको चेक करने का क्या तरीका होता था।
उसको चेक करने के लिए आप इनका योग करके देख सकते हो, 9/25 प्लस 12/25 प्लस 4/25, रफ में आप इसका योग करोगे तो वो एक के बराबर आना चाहिए। अगर ये एक के बराबर आ जाता है मतलब आपका ये जो प्रायिकता बंटन है ये सही बना है। इसको हल करके देख लीजिए, जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 25, तो 9 और 12 कितना हो जाता है 21, 21 और 4 25, तो 25/25 एक के बराबर आ जाता है, मतलब हमारी प्रायिकता बंटन सही बनी है। इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। यहाँ पे बात हो रही है दो चीजों की, एक तो व्यक्ति के सच और झूठ बोलने की और दूसरा पासे पे 6 आने की, राइट? या तो पासे पे 6 आएगा या फिर नहीं आएगा, है ना? और व्यक्ति के लिए बोला गया है कि वो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है और 1 बार नहीं बोलता, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि एक घटना हो रही है और उस पर डिपेंड हो रही है दूसरी घटना। जैसे पहले तो पासा फेंका जाएगा ना, उसके बाद ही व्यक्ति बोलेगा कि इस पे 6 आया या नहीं आया। तो पहले कौन सी घटना हुई, पासा फेंका गया और उसमें 6 आया या 6 नहीं आया। तो हम कहते हैं कि माना E बराबर पासे पर 6 आने की घटना, पासे पर 6 आने की घटना हम ई से निरूपित करेंगे। तो ये बताइए 6 ना आने की घटना आप किससे निरूपित करेंगे, वो ई डैश से निरूपित करेंगे, है ना? ई डैश क्या हो जाएगा, पासे पर 6 ना आने की घटना, इतना ठीक है। और एक घटना ये हो रही है कि व्यक्ति सत्य बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे असत्य बोलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे है कि व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। तो हम एक घटना ए बोल देते हैं उसको कि व्यक्ति सत्य बोल रहा है। ए वो घटना है जिसमें व्यक्ति सत्य बोल रहा है, ठीक है। अब हमें इन तीनों की प्रायिकता चाहिए अलग अलग। ये देखिए, पासे पर 6 आने की घटना की प्रायिकता कितनी होगी, यदि आपके पास कोई पासा है उसमें आप कह रहे हैं कि 6 आएगा तो उसकी प्रायिकता 1/6 ही होगी, क्योंकि कुल 6 फलक होते हैं, उनमें से सिर्फ एक फलक में 6 है, बाकी 5 में तो कुछ और है ना, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। और 6 ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 6 ना आने की प्रायिकता होगी 5/6। और व्यक्ति के सच बोलने की प्रायिकता कितनी होगी, प्रश्न में साफ तौर पे कहा है कि व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, मतलब इसकी प्रायिकता होगी 3/4। इनकी हमें अलग अलग प्रायिकता तो पता चल गई। अब बताइए, अगर पासा फेंका जा चुका है और उसमें 6 आया है और व्यक्ति ने कहा कि 6 आया है, मतलब उसने सत्य बोला, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। एक घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद दूसरी घटना हुई है, पासे के फेंकने के बाद दूसरी घटना हुई है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आप जानते हैं उसमें हम क्या साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि 6 आया है और व्यक्ति ने सत्य बोला है, तो सत्य बोला है इसका मतलब उसकी प्रायिकता 3/4 रही होगी, तो इसकी प्रायिकता हुई 3/4। और पासा फेंका गया, उसमें 6 नहीं आया और व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता हमें यहाँ पे जाननी है, तो ये क्या होगी, ये 1/4 होगी। कुल प्रायिकता तो 1 होती है, यहाँ पे 6 आया और व्यक्ति ने सत्य बोला उसकी प्रायिकता है 3/4, और यहाँ पे 6 नहीं आया और व्यक्ति ने सत्य बोला इसकी प्रायिकता है 1/4। अब यहाँ पे देखिए रिवर्स प्रायिकता आ रही है, क्योंकि इन्होंने प्रश्न में क्या पूछा है, वापस वो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। अभी हमें वो प्रायिकता पता है कि व्यक्ति ने सत्य बोला 6 आने पर और 6 ना आने पर, ठीक है, मतलब 6 और 6 आया या नहीं आया उस पर व्यक्ति ने जो बोला सत्य है या नहीं उसकी प्रायिकता हमने यहाँ पे निकाली। अब हमें वापस प्रायिकता निकालनी है कि क्या वो वास्तव में 6 थी, व्यक्ति ने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया,
अब बताइए कि क्या वो वास्तव में 6 थी, उसकी प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे हम वापस रिवर्स में जा रहे हैं ना, मतलब ए होने के बाद हम वापस ई के बारे में सोच रहे हैं कि क्या ई था, मतलब क्या 6 था या नहीं था। तो रिवर्स प्रायिकता के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस प्रमेय का। क्या होती है बेस प्रमेय? बेस प्रमेय से आप ये करेंगे तो आपको मिलेगा पी ई अपॉन ए, मतलब व्यक्ति के स्टेटमेंट देने के बाद आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या वास्तव में 6 था, तो ये रिवर्स प्रायिकता हुई ना। इसके लिए सूत्र बनेगा पी ई इंटू पी ए अपॉन ई अपॉन पी ई इंटू पी ए अपॉन ई प्लस पी ई डैश बिल्कुल इंटू पी ए अपॉन ई डैश, यही आएगा। अब ये सारे मान आपके पास है, इन सारे मान को आप रख के इसको हल कर दीजिए, प्रायिकता आपको मिल जाएगी। E मतलब सत्य बोलने की प्रायिकता थी 1/6 इंटू ए अपॉन ई, इसकी प्रायिकता थी 3/4 अपॉन, ये हो जाएगा 1/6 गुणा 3/4 प्लस पी ई डैश का मान था हमारे पास, ये ई डैश होगा, पी ई डैश का मान है हमारे पास 5/6 गुना पी ए अपॉन ई डैश, वो है 1/4। इसको हल करके हमें वो प्रायिकता मिल जाएगी। इसको हल करके हमें मिलेगा ये 3 से 6 कैंसिल 2, 1/8 अपॉन यहाँ पे भी 2, 1/8 प्लस 5/24। इसको और हल करेंगे तो ये आएगा 3/8। ठीक है, ये वो प्रायिकता है कि व्यक्ति ने अपना स्टेटमेंट दिया और उसके बाद आप विचार कर रहे हैं कि क्या वो संख्या वास्तव में 6 थी, उसकी प्रायिकता क्या है, 3/8।